हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कंप्यूटर का बेसिक खत्म कर लिया था, साथ साथ एमसीक्यू भी कर रहे थे, और उसमें इसके साथ साथ हमने जनरेशन भी किया था। जनरेशन ने हिस्ट्री थोड़ी सी कंप्यूटर की थी, उसका एमसीक्यू भी हो गया था। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट मतलब समझिए, जब कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है, वो अपने आप से काम करेगा नहीं, तो जब कंप्यूटर को हम आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसी को इनपुट कहते हैं, और जिस माध्यम से देते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनपुट क्या होता है। तो जो ऑर्डर देना, आदेश देना, निर्देश देना, उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, और जिस माध्यम से देते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछता है, इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से, और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आदेश दे रहे हो तो वो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मोबाइल में अगर टच स्क्रीन दबा रहा हूँ तो ऑर्डर दे रहा हूँ, तो टच स्क्रीन क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है, तो जब कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है उसको आउटपुट कहते हैं, और जिस माध्यम से देता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सा प्रिंटर हो गया है ना, और बहुत सारी चीजें हो जाती है, प्रिंटर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो हमारी जो चर्चा है अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे होगी। ठीक है, और इस टॉपिक को करने के बाद हम फिर एमसीक्यू पर भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कौन सा है, तो पहले देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइस देखिए इतने हैं, और भी हो सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट देखिए। सबसे पहला कीबोर्ड हो गया। ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, सबसे पहले यही आया है, तो कीबोर्ड जिसपे काम करते हैं। उसके अलावा स्कैनर आ गया, ठीक है, स्कैन करने वाला। बार कोड रीडर होता है, ठीक है, बार कोड रीडर होता है। उसके अलावा ओएमआर सुने ही होंगे, ओएमआर जिस पे हम लोग पेपर देंगे अभी। ठीक है, तो ओएमआर हो गया। उसके बाद ओसीआर होता है, ओसीआर, ठीक है, एमआईसीआर, एमआईसीआर होता है, ठीक है, स्कैन करते हैं। उसके बाद एक क्यूआर कोड होता है, सुने ही होंगे इसको, तो क्यूआर यूज किया होगा, क्यूआर कोड को फोन पे वगैरह करते हैं ना, वो भी तो इनपुट ही है। साथ साथ माउस है, माउस भी इनपुट डिवाइस में आता है। ट्रैक बॉल है, गेम वगैरह खेलते हैं। जॉयस्टिक भी है आपका, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, प्रकाशी पेन बोलते हैं हिंदी में आपका। ऑडियो इनपुट में माइक्रोफोन है, हेलो हेलो बतियाते हैं उसमें, वो क्या है, इनपुट है तो जा रहा है, उधर बात हो रहा है। ठीक है, स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, आपका डिजिटल कैमरा है और वेब कैमरा, ये सारे जो कैमरा भी है, ठीक है, जो देख देख के बतियाते हैं, वो इनपुट ही तो है। इधर से शकल जा रहा है, उधर से शकल आ रहा है, वो भी तो इनपुट है। ये सारे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप याद रखिएगा, इसमें से पूछा जाता है कि कौन सा है। अब हमारी जो चर्चा है विस्तार से है, क्योंकि पता नहीं कब वैकेंसी आएगा, तो हम लोग एक एक डिवाइस को अच्छे से देख लेते हैं कि इन लोगों का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो चर्चा है वो रहेगी कीबोर्ड पर। ठीक है, और उसी प्रकार से आगे आने वाले वीडियोस में हम सभी डिवाइसों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये लोग फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं, और उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है क्रिस्टोफर सोलेज, ये सोलेज लिखा था, सोलेज, ठीक है, याद रखिएगा कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है, तो क्रिस्टोफर सोलेज नामक व्यक्ति ने किया है। और हमारे इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर के प्रारंभिक इतिहास में अगर देखें, प्रारंभ से ही कीबोर्ड का महत्व है, कीबोर्ड सबसे पहले से काम आ रहा है, यानी इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड ही चलन में था, है ना। तो याद रखना है कीबोर्ड हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, है ना। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कीबोर्ड में लगभग 104 से लेकर 108 कीज होते हैं। ठीक है, ये कीज होते हैं, कीज जो हम जो ऑर्डर देते हैं, फिर बफर में जाता है, फिर बफर से फिर वो सीपीयू में जाता है, फिर डिकोड होता है, फिर बफर में जाता है, फिर हमको आउटपुट होता है। और इसका जो नामकरण है, नामकरण याद रखिएगा, कीबोर्ड के ये जो लेटर्स हैं इसी के नाम पर ये कीबोर्ड का नामकरण हो जाता है। जैसे ये कीबोर्ड में ले लो QWERTY, जो 6 लेटर है, इन 6 लेटर के आधार पर इस कीबोर्ड का नाम क्या है, QWERTY, क्वार्टी बोलते हैं, ये कीबोर्ड का ये नाम। तो जो पहले लेटर होते हैं ना उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कितने लेटर्स होते थे, 104 से 108, और कुछ सीख हो जाता हूँ क्रिस्टोफर सोलेज, अच्छा क्रिस्टोफर सोलेज तक हो जाता। और याद रखना है सबसे पहले इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सारे कीज को समझते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, जिसको हटा देता हूं। सबसे पहला जो की है इसका नाम है एस्केप। ठीक है, एस्केप, ये क्या काम करता है, तो
तो अगर कोई आप काम कर रहे हैं उस काम से वापस आना चाहते हैं तो आप एस्केप बटन दबाएंगे, ठीक है। वर्तमान में किए जा रहे काम से वापस आने के लिए, ठीक है, क्या दबाते हैं, एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है एस्केप, सबसे पहला की कौन सा है, एस्केप ही होता है। क्या लिख सकते हैं, वर्तमान में किए जा रहे कार्य से वापस आने के लिए हम लोग एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके अलावा इसके नीचे अगर देखा जाए तो एक है आपका टैब बटन, ठीक है। टैब बटन जो है ये जंप करने के लिए होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जंप करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जंप या जाने के लिए हम लोग टैब बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपने टैब दबाया तो एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट तक आप जा सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक आप जा सकते हैं। अगर आपको वापस आना है तो शिफ्ट के साथ फिर आपको दबाना पड़ेगा तो वापस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जंप करने के लिए, किसके लिए जंप करने के लिए हम लोग टैब बटन का प्रयोग करते हैं। ये दो हो गया। तीसरा ये हो गया कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक देखिए, एक साथ इसके साथ और बता दो, कैप्स लॉक के साथ यहां पर एक बटन मिलेगा जिसको बोलते हैं नम लॉक, नम लिखा रहता है, और एक और बटन मिलेगा जिसको स्क्रोल बोलते हैं, नम लॉक और दूसरा होगा स्क्रोल लॉक, ठीक है, LOC लॉक। ये जो तीनों बटन है, तीनों बटन को टोंगल कीज कहते हैं। क्या कहते हैं, टोंगल क्यों कहेंगे भाई, तो टोंगल की पहले समझ लो क्या होता है, ठीक है। टोंगल की क्या होता है, उसी बटन से आप ऑन कर सकते हो, उसी बटन को दबा के ऑफ कर सकते हो, और जिससे ये काम किया जाता है उस सारे कीज को, उस सारे कुंजियों को टोंगल कीज कहते हैं। ऐसे एग्जांपल से आप समझे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपके मोबाइल में जो पावर बटन है, पावर बटन होता है ना साइड में होता है, तो पावर बटन को दबा के मोबाइल का स्क्रीन ऑन कर लेते हैं और पावर बटन को दबा के ही स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, तो वो जो पावर बटन है वो टोंगल कहलाता है। टोंगल क्या है, ऑन ऑफ उसी से, ठीक है, ऑन ऑफ उसी से। तो याद रखिएगा ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एंड करने के लिए वही बटन दबाते हैं, उसी को टोंगल कहेंगे। कौन कौन से बटन टोंगल है, हमारे घरों में बहुत सारे आप देखना, ठीक है, कुछ गीजर लगा है, फ्रीजर लगा है, कुछ भी लगा तो उसको दबा के ऑन हो गया, फिर स्विच दबा दिया बंद हो गया, है ना। जैसे पानी वाला अगर आपका लगा है, आपका RO वगैरह, उसको बटन को दबाए तो चालू हो गया, उसी को दबा दिया बंद हो गया, वो टोंगल है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे टोंगल की। तो टोंगल की याद रखेगा कैप्स लॉक होता है। तो कैप्स लॉक क्या काम करता है भाई, कैप्स लॉक को दबाओगे ना तो ये यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हैं ना, ये बड़े लिखे है ना, ये बड़े लेटर हो जाएंगे, है ना, कैपिटल लेटर हो जाएगा। फिर से दबाओगे ना छोटा हो जाएगा, फिर दबाओगे बड़ा हो जाएगा, फिर दबाओगे छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बार ऑन एक बार ऑफ, ऑन ऑफ, तो यही है आपका कैप्स लॉक का काम। ये जो कीज है, ये सारे जो दिख रहे हैं ना, इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा। अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा मतलब ये आपका ABCD और न्यूमेरिक मतलब 7, 1 2 3 4 5 लिखा ना 7। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज के बटन बड़े लेटर्स को लिखने के लिए, कैपिटल लेटर को लिखने के लिए कैप्स लॉक को दबाते हैं। फिर से दबा दो छोटा हो गया, फिर दबा दो बड़ा हो गया, तो ये कैसा है, टोंगल की। उसी तरह से नम लॉक है, नम लॉक जो है इधर जो न्यूमेरिक कीज मिलेंगे 1 2 3 4 इनको एक्टिवेट करने के लिए नम लॉक दबाएंगे। कई बार क्या होता है, दबाते रहते हैं और काम नहीं करता, सोचते कंप्यूटर कीबोर्ड खराब हो गया, पटक दिए, फिर पता चला अरे नम लॉक दबाएंगे तब तो काम करेगा। तो नम लॉक क्या होता है, नम लॉक जो है इधर के कीज को एक्टिव करने के लिए नम लॉक का प्रयोग करते हैं। फिर दबाओगे बंद हो जाएगा, फिर दबाओगे चालू हो जाएगा, तो नम लॉक। स्क्रोल लॉक भी वही काम करता है, ठीक है, स्क्रोल करने के लिए। तो याद रखिएगा तीन है, नम लॉक, स्क्रोल लॉक और आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक टोंगल की कहलाते हैं, है ना सारे, और ये कैप्स लॉक क्या करता है, बड़े लेटर्स को बड़े लेटर करने में और छोटे लेटर करने में काम आता है। इसके अलावा शिफ्ट, शिफ्ट को कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे भाई, कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं शिफ्ट को। ये कॉम्बिनेशन की इसलिए बोलते हैं कि इसके साथ अगर कोई और बटन दबाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे देखो ये अल्फा न्यूमेरिक कीज है, इसमें ऊपर भी कोई वर्ड लिखा रहता है, जैसे ये जी लिखा है, इसके ऊपर और कोई जी लिखा, तो ये जो शिफ्ट को दबाएंगे तो इसके ऊपर वाले जो वर्ड, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर वाले वर्ड्स को लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, याद रखना है, ठीक है।
कीबोर्ड में कई कुंजियों में ऊपर ऊपर लेटर्स लिख रहेंगे, उसको अगर लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे, तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कॉम्बिनेशन ही हो गया, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा शिफ्ट क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन की कहलाता है। ठीक है, अच्छा शिफ्ट के बाद आता है कंट्रोल और ऑल्ट। याद रखिएगा ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, सॉरी ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों को ना तीनों को मॉडिफायर की कहते हैं, मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर की कहते हैं, मॉडिफायर क्यों कहेंगे भाई, मुद्दा तो ये है। तो मॉडिफायर की इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको दबा के अगर दूसरा की दबाए तो वो जो काम वो की करता है, कुंजी करता है, उसकी स्थितियां बदल जाती हैं, वो दूसरा काम करता है, उनकी परिभाषाएं बदल जाती हैं, तो इस उनका वो जो काम है उसको मॉडिफाई कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कंट्रोल के साथ अभी अभी आप क्या कर लो, सी दबा दो, ठीक है सी ऐसे दबाओ, सी 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 लिखाएगा, है ना सी 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 सी, और मान लो कंट्रोल के साथ दबाओगे कंट्रोल सी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, एक्स दबाओगे कट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ अगर हम किसी और को दबाते हैं तो वो अपने काम के अलावा मॉडिफाई कर देता है, वो कुछ और काम करने लगता है, उनकी परिभाषाएं बदल जाती हैं। वैसे ऑल्ट के साथ है, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में जाओगे तो ऑल्ट का यूज मिलेगा, मेन्यू बार के जो फंक्शंस हैं उसको खोलने के लिए, उसमें जो है उसको काम करने के लिए ऑल्ट करते हैं। कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये सारे के सारे मॉडिफायर की भी कहलाते हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये विंडो की कहलाता है, विंडो बटन को ओपन करने के लिए विंडो की दबाते हैं। उसके बाद आ जाइए इधर, इस पूरे कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन जो होता है स्पेस बार होता है। क्या होगा, स्पेस बार। ये क्या करता है, ये दो अक्षरों के बीच स्पेस देने का काम करता है। स्पेस बार का काम दो लेटर्स के बीच स्पेस देना, या आपका कर्सर के दो कर्सरों के बीच आपका क्या करना है, स्पेस देने का काम करता है स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार याद रखना है। उसके बाद देखो ये जो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट बताया ना, ये दो सेट होते हैं कीबोर्ड में ताकि जल्दी रीच हो जाए, जैसे हाथ होता है इधर भी होता है इधर भी होता है, तो जिस हाथ से पकड़ा जाए इसीलिए दो ठो दिया जाता है, क्योंकि काम बहुत करते हैं, बहुत काम आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आपका याद रखिएगा ऑल्ट, ये दो सेट में होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला जो की है, आते इधर, इधर जो की है ये वाला, ये सारे की अभी मैंने बताया अल्फा न्यूमेरिक, क्या कहलाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक की कहलाएंगे, यानी एबीसीडी भी लिखा रहेगा और एक दो तीन चार भी लिखा रहेगा, यानी अल्फा और न्यूमेरिक यानी कीज, आपका मतलब नंबर्स भी लिखे होंगे, ये अल्फा न्यूमेरिक की कहलाते हैं। जो लिखा है वही अगर प्रिंट करना है तो वही दबा दो, जे लिखना है जे को दबा दो। ठीक है, इस तरह से आपका काम करो। इसके बाद और आइए, इधर तो बता ही दिए। ठीक है, उसके अलावा आ जाइए एंटर बटन। इस एंटर बटन का वैकल्पिक रूप जो है ओके है, ओके। ठीक है, ओके। अगर देखो अगर आपको कंप्यूटर को बताना है कि हाँ सब ठीक है, ओके, अंतिम रूप से आपको सहमति देनी है तो हम एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। एंटर बटन का मतलब होता है कि आप सहमत हैं। ठीक है, और ये किसका वैकल्पिक रूप है, तो ओके का है। जैसे मान लीजिए हमको कंप्यूटर को शट डाउन करना है, बंद करना है, तो हम ओके दबा देंगे। ठीक है, तो ओके दबा देंगे तो वो बंद हो जाएगा। मान लीजिए कुछ काम करना है, डिलीट करना है, तो वो पूछता है कि क्या मैं कर दूं। ठीक है, तो आप क्या दबाएंगे, ओके का बटन क्या हो जाएगा, एंटर दबा देंगे तो ओके समझ, मतलब वो समझ जाएगा कि हाँ आप यही चाहते हैं। तो अपने परिणामों को, अपने आदेशों को अंतिम रूप देने के लिए, ठीक है, हम एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। और एंटर किसको किसको बताता है, ओके को बताता है, अपनी सहमति को बताता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आगे, और सबसे इंपॉर्टेंट की भी है ना, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट की इस सारे में कौन सा हो जाएगा, एंटर ही होगा। ठीक है, कई कीवर्ड्स में दो होते हैं, एक आपका न्यूमेरिक की में मिल जाएगा आपको और एक आपका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एंटर याद रखिएगा। उसके बाद अगला ये बैक स्पेस है, बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करता है, तो जो हम वर्ड्स लिखते हैं उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है, दाहिनी ओर से बाएं ओर चलता है। ठीक है, देखो ऐसे ए बी सी डी मैंने लिखा है, तो यहां पर अगर कर्सर है तो कर्सर स्पेस से पहले डिलीट करेगा डी को, फिर आएगा सी को, यानी राइट साइड है ना, राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करता है, याद रखेगा बैक स्पेस। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो बैक स्पेस है कैसे काम करता है, दो चीजें डिलीट करती है, एक बैक स्पेस करेगा एक डिलीट करेगा, तो डिलीट कंप्लीट डिलीट करता है, सेलेक्ट किया पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक, मगर जो बैक स्पेस है ये राइट टू लेफ्ट मूव करता है, या फिर आप कह सकते हैं केवल और केवल बाएं अक्षरों को ही क्या करता है, डिलीट करता है। मतलब बैक स्पेस दबाओगे बाएं अक्षर जो होगा वो डिलीट होते जाएगा। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे सकता है कि बैक स्पेस का काम क्या होता है, दाएं से अक्षरों को डिलीट करना, बाएं से अक्षरों को डिलीट करना, ऊपर से डिलीट करना, नीचे से डिलीट करना, तो याद रखेगा। ठीक है, दाहिनी ओर से करता है और बाएं लेटर्स को करता है, किसको करेगा, बाएं अक्षरों को करेगा और दाहिनी ओर से चलता है। ठीक है, तो बैक स्पेस भी इंपॉर्टेंट है ना, कुछ मिटाना होता ना होता है तो। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर जो की है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी मैं बताया कौन सा होगा, नम लॉक होगा। कौन सा होगा, नम लॉक। नम लॉक
इधर जो की मिलेंगे उसको न्यूमेरिक कीज कहते हैं, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कीज को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको नम लॉक दबाना पड़ेगा, फिर डीएक्टिवेट करने के लिए फिर नम लॉक दबाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या मिलेंगे, तो आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी इधर रहता है, कई कीबोर्ड में चेंजेस रहते हैं। ये जो की आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की, उल्टा टी जैसे दिखता है, कैसे दिखेगा, उल्टा टी होता है ना, तो याद रखिएगा कर्सर कंट्रोल की। अगर आपको माउस का प्रयोग नहीं करना है और आप चाहते हैं कंप्यूटर में बहुत फास्ट काम करना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कर्सर कंट्रोल की जो है वो क्या काम करेगा, तो याद रखिएगा ये कर्सर को, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आप कीबोर्ड से ही कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एक याद रखना है। उसके अलावा देखिए इधर और कुछ कुछ मिलेंगे, जैसे यहां मिलेगा आपको होम, ठीक है, होम बटन। होम बटन जो है, ठीक है, कई बार इधर शिफ्ट रहते हैं, कई बार इधर रहते हैं, ठीक है, तो होम बटन याद रखिएगा। होम बटन का क्या काम है, तो हम हमारे पेज के लाइन के प्रारंभ में, ठीक है, या स्टार्टिंग में जाने के लिए हम होम को दबाते हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं ऐसे और एकदम स्टार्टिंग में जाना है, पहले जाना है, एकदम शुरुआत में जाना है, तो आप क्या दबा दोगे, होम, यानी घर पहुंच गए। और मान लीजिए लाइन के एंड में जाना है या आखिरी में जाना है, तो आप क्या दबा दोगे, एंड, इसका जब सपोजिट, तो लाइन के प्रारंभ में बोल देगा, या सबसे स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में जाने के लिए हम लोग क्या दबाएंगे, होम, और आखिरी में जाने के लिए क्या दबाएंगे, एंड बटन का प्रयोग करते हैं। इसी की वजह से पेज अप है, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप क्या करेगा, तो पेज अप कर्सर का व्यू एक पेज पहले कर देता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, मान लो आप यहाँ काम कर रहे थे, पेज अप दबाए, तो पेज अप दबाने से पेज कर्सर का व्यू एक पेज पहले चला जाता है। कर्सर जो है कब मूवमेंट का प्रीवियस पेज पे चला जाएगा, यानी कर्सर किस पे जाएगा, पहले वाले पेज पर ब्लिंक करने लगेगा, वहां पर चला जाएगा। और पेज डाउन करने से कर्सर का जो आपका मूवमेंट है वो कहां चलेगा, एक पेज नीचे चला जाएगा। व्यू कहां, आपका कर्सर जो आपका पेज व्यू है, एक पेज पहले होगा पेज अप से, और पेज डाउन से एक पेज नीचे होगा। इसको याद रखिएगा, ये घुमा घुमा के देता है। पेज अप से क्या होगा, पेज का व्यू एक पेज पहले हो जाएगा, जो आपके स्क्रीन पर पेज दिखता है वो पहले वाला पेज दिखने लगेगा। और पेज डाउन से, पेज डाउन आप अगर दबाएंगे तो पेज का व्यू एक पॉइंट नीचे, मतलब नीचे वाला पेज आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो पेज डाउन, पेज अप, होम और एंड। होम स्टार्टिंग में जाने के लिए, ये एंड में जाने के लिए, ये पेज एक पेज ऊपर जाने के लिए, एक पेज नीचे जाने के लिए, पेज अप, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिक कीज है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ये यहाँ पर और आपका, ये आपके जो कीज दिख रहे हैं, एफ लिखा है, F1 से F12 तक फंक्शन कीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फंक्शन की कहलाते हैं, ठीक है। इसके बहुत यूज है, ठीक है, जैसे कभी सेव करना है, रीनेम करना है, फाइंड करना है, फुल स्क्रीन करना है, ठीक है, सर्च करना है, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो ये फंक्शंस की हैं, बहुत काम के भी हैं, ठीक है। तो फंक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, साथ साथ स्कैनर को देखेंगे कि कैसे काम करता है स्कैनर, साथ साथ बार का रूडर के, बार को जो रीडर है उसके भी सारे फंक्शन को देखेंगे, ये कैसे काम करता है, तो ये हम लोग को देखना, और इस तरह से पूरा इनपुट डिवाइस कंप्लीट करना है, फिर लास्ट में आपका आउटपुट करेंगे और फिर एमसीक्यू लगाएंगे। तब तक के बने रहिए, धन्यवाद।